नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह। रिलायंस की 45वीं सालगिरह पर रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 2 महीने के भीतर रिलायंस अपनी 5G सेवाएं लॉन्च करेगा। गूगल की साझेदारी में आने वाले पॉकेट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन की भी बात हुई। जियो एयर फाइबर के बारे में भी बताया गया, जिसके आने से ढेर तारों को लगाए बिना घर पर ब्रॉडबैंड स्पीड का लुफ्त उठाया जा सकेगा। हॉटस्पॉट जैसा डिवाइस एक वायरलेस सिंगल डिवाइस सॉल्यूशन है। इन्हीं सारी घोषणाओं के बीच जियो क्लाउड PC का भी जिक्र हुआ। हमारा ध्यान सबसे ज्यादा इसी ने खींचा। आसान भाषा में कहे तो बिना किसी बड़े हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का पर्सनल कंप्यूटर, वर्चुअल PC। बस इसके लिए चाहिए होगा तेज रफ्तार वाला इंटरनेट और फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, एक्सेस आपके हाथों में। चलिए जानते हैं कि क्लाउड PC है क्या। क्लाउड PC नाम शायद आपको नया लगे, लेकिन गेमिंग के शौकीन इससे काफ़ी हद तक परिचित होंगे। क्लाउड गेमिंग युवाओं का नया शगल है। ना कोई गेमिंग वाला स्मार्टफोन और ना हजारों रुपए वाला लैपटॉप। साधारण से स्मार्टफोन पर भी हैवी ग्राफिक्स वाले गेम खेले जा सकते हैं। अब ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि गेम का सर्वर, स्टोरेज, सब कुछ गेमिंग कंपनी का रहता है। आपके लैपटॉप या मोबाइल पर सिर्फ उसकी मिरर इमेज या यूं कहें कि स्क्रीन कास्ट होती है। अपनी सुविधा के अनुसार सब्सक्रिप्शन लीजिए और शुरू हो जाइए। क्लाउड PC भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अब 5G आने से इंटरनेट स्पीड की टेंशन तो दूर, ऐसे में ये तकनीक खूब काम आ सकती है। आम PC से अलग इसको अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं। अब जैसे होता है कि हार्ड डिस्क नहीं, SSD लगाओ या फिर RAM कम पड़ रही है तो उनको अपडेट कराओ, यहाँ सारा जिम्मा कंपनी का होगा क्योंकि सर्वर तो उनका है। पहले पहल लगने वाला खर्च भी कम होगा। जहाँ आप हार्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप लेते हैं, उसकी जगह एक बेसिक लैपटॉप ही काफ़ी होगा। कहने का मतलब है कि 2-4 बेसिक सिस्टम खरीद लिए तो ऑफिस या घर का काम आसानी से चल जाएगा। जियो ने इस छोटे से डिवाइस की एक झलक भी दिखाई है। इसे आप एक किस्म का स्ट्रीमिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी पावरफुल डिवाइस मतलब बात मूवी देखने और वीडियो देखने तक सीमित नहीं होगी। हालांकि जियो ने अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि डिवाइस में 4 USB पोर्ट, एक इथरनेट पोर्ट, HDMI पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक भी होगा। फिलहाल कीमत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जियो के इतिहास में देखें तो ये यूज़र फ्रेंडली होगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।